हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। समर सीजन चल रहा है और मार्केट में आ रही है ढेर सारी काली काली जामुन। आज हम इन्हीं से बनाएंगे एक बढ़िया सा ड्रिंक, जामुन मॉकटेल। जामुन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जामुन मॉकटेल बनाना। जामुन मॉकटेल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल जामुन लिए हैं। अब सबसे पहले हम जामुन से उसका गुदा अलग करेंगे। चाकू की सहायता से जामुन का गुदा अलग करें। जामुन में विटामिन बी और आयरन बहुत अधिक पाया जाता है, सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, पेट के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही शुगर के मरीज को भी ये फायदा करता है। हमने जामुन का गुदा अलग कर लिया है। अब एक मिक्सी का जार लें और उसमें जामुन का गुदा डाल दें। अब इसमें 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालें, साथ ही 1/2 चम्मच नींबू का रस डालें और इसका पेस्ट तैयार करें। हमने सभी सामग्री को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। जामुन का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम जामुन मॉकटेल बनाएंगे। इसके लिए 2 ग्लास लें, हर ग्लास में 2 बड़े चम्मच जामुन का पेस्ट डालें। यहाँ मैंने एकदम ठंडी सोडा वाटर बोतल ली है। अब ग्लासेस में सोडा वाटर डालें। मिंट लीव्स से गार्निश करें, साथ ही नींबू के सर्कल काटकर उससे ग्लास को डेकोरेट करें। लीजिए, हमारा मज़ेदार जामुन का मॉकटेल रेडी हो चुका है। अब इसका मज़ा लीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।